बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, आप सबको वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल स्टिचिंग स्किल्स विद शिफ्ता में। आज मैं आपके लिए स्क्वायर कट पजामे का ड्राफ्ट कटिंग जो है वो लेके आई हूँ। ये रे पजामी है और ये हमें अक्सर जो हम बच्चों की फ्रॉक बनाते हैं उसके नीचे पहनने के लिए हम रे पजामे उसकी बनाते हैं। बाज़ कपड़ा जो है वो हमारे पास अर्ज़ ज़्यादा होता है लेकिन उसकी लंबाई कम होती है, उसके लिए हमें फिर स्क्वेयर कट पजामा बनाना पड़ता है। और ज़्यादातर तो लोग जो है वो थैला पजामा बनाते हैं जिसकी अर्ज़ जो है वो कम होता है लेकिन लंबाई में वो ज़्यादा होता है, उसके लिए वो थैला पजामा है वो बेहतर होता है। लेकिन अगर हमारे पास कपड़ा ऐसा हो कि जिसका अर्ज़ ज़्यादा हो लेकिन उसकी लंबाई जो है वो कम हो, तो उसके लिए हम स्क्वेयर शेप में रे पजामे बनाते हैं। आज मैं आपको वो बनाना सिखा रही हूँ और ड्राफ्ट में सिखा रही हूँ ताकि बिगनर्स जो हैं उनको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए, क्योंकि कपड़े के ऊपर हम जितना अच्छा समझा सकते हैं ये कागज़ के ऊपर उतना अच्छा हम कपड़े के ऊपर नहीं शो कर सकते, क्योंकि कपड़ा अक्सर हिलता है तो उसकी वजह से उसकी कटिंग अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि दो स्केयर्स लेंगे, ये हमने दो स्केयर्स लिए, ये हमारी शलवार की लंबाई होगी। आज मैं आपको सिर्फ ड्राफ्ट कटिंग सिखा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको कपड़े के ऊपर मेजरमेंट के साथ एक पूरी पजामी सीना सिखाऊंगी, जिसको कटिंग भी सिखाऊंगी और उसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। आज मैं आपको सिर्फ ड्राफ्ट उसका सिखा रही हूँ कि कटिंग करनी कैसी है, आपके जहन में थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि स्केच बनता कैसे है रे पजामी का स्क्वेयर कट में। इसके लिए हमें स्क्वेयर लिया, ये हमारी शलवार की लेंथ होगी, जो भी हमने शलवार बनानी होगी इस तरफ से उसकी लेंथ होगी और ये हमारा उसका नीचे से पैंचा होगा। पैंचा हम यहाँ से लेंगे, पैंचा लेने के बाद यहाँ से हम इसकी शेप बनाएंगे शलवार। यहाँ से हमने इसकी कटिंग करेंगे। हमारे पास शलवार की शक्ल आ गई। अच्छा, अब आपने जहाँ पे आप कटिंग कर रहे हो उसके ऊपर इसका हल्का सा स्केच बना लेना है। ये शलवार की यहाँ से लेंथ होगी और ये इसकी आसन वाली सिलाई होगी, इस तरफ से हमारा आसन बनेगा और ये इतना कपड़ा हमारे पास काम है। यही हमने जो कपड़ा काटा है यही हम इधर लाके इसका जोड़ लगाएंगे। इस पजामे की सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि इसमें हमारा जो जोड़ है वो सिर्फ ऊपर डलता है, यहाँ से पजामे में जोड़ नहीं आता। जो थैला पजामा होता है उसके अक्सर हमें घुमाते भी हैं जितना मर्जी, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे पैंचे पे उस पर जोड़ आ जाता है। इसकी खूबी यह है कि इसमें थोड़ा सा भी जोड़ नहीं होगा, जोड़ जो होगा वो सिर्फ ऊपर वाले एरिया में होगा। इसको जूम करेंगे अगर तो ये देखिए, ये आपको यहाँ से इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी कि यहाँ से हमने इसकी शलवार की एक स्केच बना लिया। अब ये जो हमारे पास कपड़ा था जो इधर से उतरा है वही हम यहाँ पर रखेंगे, इस शक्ल में यहाँ रखेंगे और यहाँ से ये देखें, ये जो हमने इसका निशान लगाया था ना अपनी शलवार की शक्ल, यहाँ से इसकी ये शेप और यहाँ से इसको यहाँ से सीधा काट के शलवार की शक्ल बना लेंगे। ये देखें, ये हमारा अर्ज बन गया, इसका फेर बन गया, ये हमारी लेंथ बन गई, यहाँ से पैंचा, ये हमारी नाली की सिलाई और ये हमारा आसन, यहाँ से हम नेफा फोल्ड करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि सिल के कैसी बनेगी। ये देखिए, ये हमारा स्क्वेयर कट पजामा तैयार हो गया। इसमें सिर्फ आपका यहाँ पे ऊपर ही जोड़ आएगा, यहाँ से हमने इसका नेफा फोल्ड करना है और ये हमारी आसन की सिलाई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा इसका टिप बता दूँ कि ये रेप शक्ल में हमने जोड़ लगाने हैं। जब आप इसको उठाएंगी ना सिलाई लगाने के लिए तो बाज़ अवकात ये हमारा जो कपड़ा ना घूम जाता है, हमें समझ नहीं आती कि हमने इस रुख को लिया था कि इस रुख को रखा था। जैसे आपने रखा हुआ है ना कपड़ा जब कटिंग कर ली तो उसको वहीं पर आपने पिनों के साथ कच्चा कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने इस रुख को जोड़ लगाना है, क्योंकि ये रेप शक्ल में है तो इसकी आसानी से हमें समझ नहीं आती कि रेप हमने किस तरफ को लगाया था। ये देखिए, ये जब आप सिलाई करने लगेंगी आपको पता होगा कि मैंने इस जोड़ को इसके साथ सिलाई करना है। ये देखिए, और ये आपका ये एक पैंचा तैयार हो गया। इसी तरह से आप दूसरे को करेंगे।
मैंने आपको इसकी ड्राफ्ट कटिंग इसलिए सिखाई है कि आपको इस पजामे की कटिंग जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी अच्छे से आ गई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अभी तक अगर आपने नहीं किया तो, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, और अगर आपको कोई कमेंट्स देने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह पर होती है। ये देखें, ये इसकी शेप बन जाएगी आपके पजामे की। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।